साधु साधु साधु। ये सूत्र का नाम है सुमना सूत्र। क्या नाम है? सुमना सूत्र। उस समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती में अनाथ पिंडी आश्रम में जेतवन आश्रम में रहते थे। एक दिन सुमना राजकुमारी 500 राजकुमारी लोगों के साथ 500 रथ सजा के, कौन है ये सुमना राजकुमारी, भगवान बुद्ध को देखने के लिए आया। आकर के सुमना राजकुमारी भगवान बुद्ध को नमन की, नमन करके एक और बैठ गई। बैठकर सुमना राजकुमारी भगवान बुद्ध को ऐसे भगवान बुद्ध से पूछ रही थी कि तथागत जी, आपकी ये शासन में दो शिष्य हैं, दोनों श्रद्धा से दोनों बराबर है, समश्रद्धा है। समश्रद्धा मतलब, समश्रद्धा मतलब दोनों का श्रद्धा बराबर है, सेम है श्रद्धा दोनों का। भगवान बुद्ध संघ धर्म प्रति श्रद्धा, बुद्ध धर्म संघ प्रति श्रद्धा दोनों का बराबर है। तथा समशीला, दोनों ही शीलवान है, शील से भी दोनों बराबर है। समपन्या, प्रज्ञा से भी दोनों बराबर है। क्या क्या चीज से दोनों बराबर है? समश्रद्धा श्रद्धा से, शील से, प्रज्ञा से। श्रद्धा शील प्रज्ञा से दोनों बराबर है। इसका मतलब ये इन दोनों एकदम बराबर शिष्य हैं गौतम भगवान बुद्ध के शासन में। तो ये सुमना पूछ रही थी तथागत, लेकिन जो दोनों श्रद्धाशील प्रज्ञा से सेम है, समान है, लेकिन एक देने वाला है एक नहीं देने वाला है। देने वाला मतलब दान देता है, एक दान देने वाला है एक नहीं दान देने वाला, ठीक है। दोनों मरने के बाद स्वर्ग में जाएगा या दोनों मरने के बाद नरक में जाएगा? एक स्वर्ग में एक नरक में, तब समझ में आया आप लोग को। क्यों? दोनों समश्रद्धा समशील सम प्रज्ञा, श्रद्धाशील प्रज्ञा तो दोनों पास है। हाँ, वो मिस्टेक नहीं होना है। तो सुमना पूछ रहे थे, दोनों श्रद्धाशील प्रज्ञा से समान है लेकिन एक देता है एक नहीं देता है। तो तथागत, उन लोग का मृत्यु होने के बाद, दोनों का मृत्यु होने के बाद दोनों देवताओं के पास जन्म लेते हैं। दोनों देवताओं के पास जन्म लेने के बाद दोनों का कुछ फर्क दिखता है क्या? भगवान बुद्ध ने बताया, फर्क दिखता है सुमना, फर्क दिखता है सुमना। जो देता है ना, वो देने वाला भी देवलोक में गया, नहीं देने वाला भी देवलोक में गया है, क्योंकि श्रद्धा शील प्रज्ञा। लेकिन जो देने वाला नहीं देने वाला से ज्यादा दिव्येन आयुना, दिव्य उम्र से बड़ा होता है, दूसरा से ज्यादा दिव्य दिव्य उम्र बड़ा है। और दिव्य वर्ण, दिव्य वर्ण मतलब देवताओं की सुंदर है ना, दूसरा से ज्यादा सुंदर है, दिव्य सुख है ना, दूसरा से ज्यादा सुख ज्यादा है। तथा दिव्य यश, यश मतलब यश, यश यश मतलब अग्र, सभी लोग मानते हैं, इज्जत करते हैं उनको, उसको यश कहता है। और दिव्य आधिपत्य,
आधिपति, आधिपति मतलब मुख्य, मुख्य दिव्य मुख्यता, दिव्य आधिपत्यता, इस ये चीज से दूसरा से क्या था देने वाला को मिल जाता है। क्या क्या मिल जाता है? उम्र मिल जाता है, लंबी उम्र, बहुत सुंदर हो जाता है, सुख मिलता है, यश मिलता है, आधिपति मिलता है, आधिपत्य, ये पांच मिलता है। क्या क्या? आयु मिलता है, वर्ण मिलता है, सुख मिलता है, यश मिलता है, आधिपत्य मिलता है। ये पांच चीज मिलता है जो देने वाला को नहीं देने वाले से ज्यादा। इसके बाद बताए सुमना, मैं सुमना पूछा भगवान बुद्ध जी अगर उन दोनों मनुष्य लोक में जन्म लिया तो, सुमना फर्क फिर भी दिखता है, दूसरा से ज्यादा जो देने वाला मनुष्य आदमी मानव के लिए जो योग्य उम्र है ना, मानव का उम्र बढ़ता है, मानव का सुंदरता बढ़ता है, मानव का सुख बढ़ता है, मानव का यश बढ़ता है, मानव का आधिपत्य बढ़ता है, दूसरा से ज्यादा जो देने वालों को, नहीं देने वालों को ये बढ़ता नहीं है। अगर सुमना पूछ रहे थे तथागत अगर उन दोनों गृहस्थ जीवन त्याग करके चीवर पहन लिए तो भंते जी बन गए तो सुमना तब भी वैसे ही है, फर्क दिखता है। जो देते हैं वो आराम से बिना मांगे हुए बहुत सारे चीवर मिल जाता है। अच्छा अच्छा, और जो नहीं दिया है वो बहुत थोड़ा चीवर इस्तेमाल करके रहता है मुश्किल से, और जो दिया है उसको बहुत सारे कान पान पिंडपात मिल जाता है भोजन, जो नहीं दिया वो मुश्किल से काते रहते हैं। जो दिया है उसको रहने का जगह आराम से मिल जाता है, जहां जाते वहां रहने का जगह मिल जाता है। जो नहीं दिया है उसको मुश्किल से जगह मिल जाता है, मुश्किल से रहना पड़ता है। तथा जो दिया है उनको दावा गिलान प्रत्य मतलब चाय जूस दवा जैसा वो सब कुछ ठीक ढंग से मिल जाता है। जो नहीं दिया है उनको बहुत मुश्किल से मिलता है। ये है तथा जो दिया है उन लोग का शरीर का काम बहुत अच्छा लगता है, शरीर का व्यवहार, शरीर से जो कुछ करता है बहुत अच्छा लगता है, सब लोग मन लगता है। लेकिन जो नहीं दिया उनको काय कर्म वैसा नहीं है। जो दिया है उनका वाणी से जो कुछ बोलता है वो सब उसी चीज से दूसरों का मन खींच लेता है जो कुछ बोलता है, लेकिन जो नहीं दिया वो बोलने से उतना फर्क नहीं है। जो दिया है वो उसका मन भी फ्रेश है, मन बहुत अच्छा लगता है, दूसरा का ऐसा नहीं है, ऐसा फर्क दिखता है ये दिया हुआ और नहीं दिया हुआ को। इसके बाद बताए अगर तथागत पूछ रहे थे अगर तथागत इन दोनों अर्हत्व प्राप्त किए तो फर्क दिखता है। बताए थे तथागत ने सुमना ये विषय के बारे में ऐसे बताता हूं, कोई फर्क नहीं है, विमुक्ति का कोई फर्क दिखता नहीं है। विमुक्ति तो जो देने वाला विमुक्ति प्राप्त किया, नहीं देने वाला विमुक्ति प्राप्त किया, तो दोनों का विमुक्ति विमुक्ति है, बराबर है।
दोनों का विमुक्ति बराबर है, वो अलग नहीं है। इसको सुमन बताया तथागत आश्चर्य अद्भुत है। तथागत देवताओं को भी जो कुछ जरूरी है, तो देवात्म जन्म के लिए, दिव्य जन्म के लिए जो कुछ जरूरी है तो वो पुण्य है। मानव जन्म के लिए जो कुछ जरूरी है तो वो है पुण्य। बनते लोगों का जीवन के लिए जो कुछ जरूरी है तो वो भी पुण्य की जरूरी है। इसीलिए ये दान देना बहुत जरूरी है, पुण्य करना जरूरी है, अनिवार्य पुण्य करना चाहिए। तथागत ने बताया सुमना एवमेतान सुमने, वो बात वैसे ही है सुमना, सही बात बताए आप, वो बात वैसे ही है। दान देन अनिवार्य दान देना चाहिए सुमना, पुण्य अनिवार्य पुण्य करना चाहिए। देवताओं को भी ये पुण्य मदद होता है, मानव मनुष्यों को भी ये पुण्य मदद होता है, भंते लोगों को भी जो गृहस्थ जीवन त्याग के उन लोगों को भी ये पुण्य मदद होता है। ऐसे ये भगवान बुद्ध ये बोल करके सुंदर और गाथा पांच बताया, उसका अर्थ मैं बता दूंगा। जैसा निर्मल चंद्र आसमान में जाते हैं, वो निर्मल चंद्र आसमान में रहते समय चमकते समय बाकी ताराओं से ज्यादा अग्र है, श्रेष्ठ है, बाकी ताराओं से ज्यादा प्रकाश देता है, वैसे ही है सीलवान श्रद्धावान लोग इस दुनिया में सारे कंजूसी त्याग करके दुनिया में चमकते रहते हैं। कौन लोग? श्रद्धा सीलवान लोग में कंजूसी सब त्याग करके चमकते हैं संसार में। तथा बहुत मुलायम मेघ बादल गरजते गरजते पूरा धरती का पानी गिराता है, पानी गिरा के जो गड्ढा गड्ढा जगह है वो सब पानी से भरा देते हैं। वैसे ही है तथागत के शिष्य लोग पांच कारण से कंजूसी लोगों से आगे जाते हैं, मतलब पांच कारण से जो लोभी लोग से ज्यादा आगे रहते हैं, पांच कारण से वो हैं आयुष उम्र यश वर्ण सुख और आधिपत्य और मरने के बाद उन लोग देवताओं के पास जाकर के जन्म लेते हैं। इसीलिए ये सुमना सूत्र बहुत सुंदर सूत्र है। हम आप सभी लोग भी ये सूत्र सुन के जो भगवान बुद्ध ने बताया ना, इसलिए सूत्र में जो है वो करना बहुत जरूरी है। हम लोगों को भी बहुत बहुत पुण्य करने का भाग्य मिल जाए। साधु साधु।